नमस्कार। भाक्यू ए राजनीतिक का कोई कार्यक्रम हो और उसमें टिकैत परिवार पर निशाना न साधा जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरठ की महापंचायत में भाक्यू ए राजनीतिक युवा के प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह ने कहा कि हम न तो सरकारी हैं, न विपक्षी और न ही हमारी नीतियों और विचारों को कोको ले गई है, लेकिन महात्मा टिकैत के विचारों को हम कोको को नहीं ले जाने देंगे। टिकैत परिवार पर निशाना तो अन्य वक्ताओं ने भी साधा है, सुनिए दिगंबर सिंह क्या बोले। ये तय कर ले इस प्रदेश की सरकार, ना हम पक्ष ना विपक्ष, जो काम सरकार अच्छा करेगी तारीफ करेंगे और जो काम खराब करेगी तो आंदोलन। हम नहीं सरकारी, ना हम विपक्षी, ना हम कोको ले गई और ना हमारी नीति और विचारों को कोको ले गई। कोको ले गई किसी के विचार को, लेकिन महात्मा टिकैत के विचारों को कोको को ले जान नहीं देंगे भाई। महात्मा टिकैत ने जो सपना देखा था उस सपने को पूरा करने के लिए आखिरी सांस तक इसी तरह से संघर्ष करते रहेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आखिरी बात पूछते हो कि वो कहना चाहता हूँ मंच के और अपने संगठन के पैसे वरिष्ठ पदाधिकारियों से, क्या जनता ने और किसान ने आप लोगों को भरोसा करते हुए ये सिग्नल का दिखा देंगे हम आपके साथ खड़े हैं। कभी भी सुपरवर्णी मत सोचना कि किसान लोगों के साथ कोई गद्दारी करने का काम करो। किसान के साथ कभी मंच के लोग नेता लोग गद्दारी करने का काम मत करना, नहीं तो महात्मा टिकैत की आत्मा ने जो काम उनका करा वही काम तुम्हारा भी करेगी। ये मैं अपने सब नेताओं के लिए कहना चाहता हूँ, ईमानदारी के साथ अगर संघर्ष करेंगे तो हम बिल्कुल किसान के लिए। हरिनाम सिंह वर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था एक बार कि जब तक किसान के घर खुशहाली नहीं आएगी तब तक हम अपने गले में माला नहीं डालेंगे, तब तक हम खुला कर स्वागत नहीं करेंगे। लेकिन नहीं मानते कार्यकर्ता जबरदस्ती करते हैं। तो आप लोगों से निवेदन के इस मंच का निवेदन है और सब लोग चाहते हैं कि हम किसान के घर खुशहाली लाने के लिए संघर्ष करना। आप सब लोग बड़ी संख्या में यहाँ आए हो,